अभी कामगार दरबार होने वाला है, ये खुद मेरे ऑफिस पे, जो मेरा ऑफिस है विशाल टावर N7 सिडको, इस ऑफिस पर मेरे होने वाला है प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पूरे लोगों को, जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने का पूरा पूरा बंदोबस्त करने वाले हैं। सर, आप महाराष्ट्र प्रदेश कामगार संघ के अध्यक्ष हैं, तो कुछ आपने नया शुरू किया, जैसे लॉकडाउन में लोग काफी परेशान हैं और काम नहीं मिल रहा है, लोगों को दर दर घूमना पड़ रहा है, फैक्ट्रियों में जाके वापस आना पड़ रहा है, तो आपकी तरफ से आप अपना क्या फर्ज अदा कर रहे हैं, आपकी पोस्ट से क्या फायदा मिल रहा है लोगों को? देखिए, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार चले गए हैं, बहुत सारे लोगों को अभी रोजगार नहीं है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कामगार सेल, मैंने यहाँ पर औरंगाबाद में मेरे संपर्क कार्यालय पर हर जुमा और हर इतवार कामगार दरबार के नाम से एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया है। इसमें हम जो लोगों को रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार देने का काम करेंगे, और जो रोज़गार है लोगों को, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बच्चे काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेन आती थी क्या उनको ठेकेदार वगैरह परेशान करते हैं, तो उनकी परेशानी दूर करने का काम यहाँ से हम करने वाले हैं। दूसरी बात, जो लोग अभी न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पैसे नहीं है उनके पास, जो नहीं कर पा रहे, तो उनको मुख्यमंत्री बेरोज़गार योजना, सुशिक्षित बेरोज़गार योजना बोल के जो एक है MSME की तरफ से जो आता है, जिला उद्योग जिसको बोला जाएगा, तो उसके अंदर भी हम लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद करने वाले हैं। और दूसरी बात ऐसी कि सफाई कामगार सेल, सफाई कामगार मजदूर, उसके बाद बांधकाम मजदूरों के जो परेशानी रहते उनको भी हम दूर करने वाले हैं। और ये जो अभी कामगार दरबार होने वाला है, ये खुद मेरे ऑफिस पे, जो मेरा ऑफिस है विशाल टावर N7 सिडको, इस ऑफिस पर मेरे होने वाला है प्रोग्राम, जिसके अंदर हम पूरे लोगों को, जो भी बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार देने का पूरा पूरा बंदोबस्त करने वाले हैं। और जो लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं लेकिन जो परेशानी हो रही है उनको काम करने में, उनकी परेशानी भी हम इंशाल्लाह दूर करने वाले हैं। भैया, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और कौन से दिन आप जो रख रहे हैं? देखिए, इसका टाइम हम रखने वाले हैं सुबह 9 से शाम में 6 बजे तक, और इसके दिन रहने वाले हैं जुमा और इतवार। अभी जुमा और इतवार क्यों रहने वाले हैं उसका मैं कारण भी बताता हूँ आपको। औरंगाबाद के अंदर जो भी MIDC, वालूजी MIDC, सिंधरा MIDC, कुछ कंपनी को आप देखो जुमा के दिन छुट्टी रहती है और कुछ कंपनी को इतवार के दिन छुट्टी रहती है, तो इसके लिए हम कामगारों ने, ऐसा नहीं कि मेरा बुध के दिन रहना, पीर के दिन रहना, वो लोगों ने उनकी काम छोड़ के आना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जुमा और इतवार का उनका दिन रखा है। कितना लाभ आपके हिसाब से मिल सकता है बेरोजगारों को? देखिए, अभी ये क्वांटिटी में तो नहीं बता सकते लेकिन फिर भी एक बेनिफिट मिलेगा लोगों को, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, तो उनको एक अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कामगार सेल की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद होने वाली इससे। सर, अगर आप कुछ कांटेक्ट नंबर आपका दे तो आने वाले बंदे को आसानी हो जाएगी, वो फोन करके आ सकता है कुछ फैसिलिटीज? देखिए, मैं आपके न्यूज़ के साथ बोलते हुए मेरा ऑफिस एड्रेस देता हूँ पहले, तो मेरा ऑफिस एड्रेस लीजिए, शॉप नंबर 23 विशाल टावर N7 सिडको, और ये मेरा मोबाइल नंबर ये रहेगा 9405184573। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, एक बार फिर से मोबाइल नंबर 9405184573। औरंगाबाद अपडेटला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आपलं चॅनल चांगलं चालावं, लोकांपर्यंत वास्तव भूमिका घेऊन आपण जावं आणि लोकहिताच्या जनहिताचे प्रश्न मागे लावण्याकरता आपल्या चॅनलचा नक्की उपयोग होईल अशी माझी भूमिका, अशी माझी अपेक्षा। औरंगाबाद अपडेट एक अच्छा चॅनल इस औरंगाबाद जिले में चलता है, उनके माध्यम से कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको न्याय देने का काम, उसको लोगों के बीच में इंसाफ देने का काम आपके चैनल के माध्यम से होता है। मैं औरंगाबाद अपडेट्स इस चैनल को मेरी तरफ से, इस राज्य का मंत्री इस नाते से, तहे दिल से उनको शुभेच्छा देता हूं और उनके हाथ से अच्छा काम हो, उनके नाम ये अपडेट के जैसा पूरा काम भी अपडेट चले, यही शुभकामनाएँ। हमारे खंडारकर साहब जैसे एक दोस्त, यहाँ सीनियर पत्रकार जी भी हैं,
उन्होंने भी आपको शुभेच्छा दी है और ये अपडेट्स जो है औरंगाबाद के बारे में सारी मालूमात आपके चैनल पे चलती है और आपके चैनल के लाखों लोग उसको देखते हैं। उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।